नमस्कार साथियों, दोस्तों आपका YouTube चैनल है कोई और आपने शुरू से YouTube चैनल पर वीडियोस अपलोड किए, उनकी कैटेगरी को आपने किसी भी मान लीजिए XYZ एंटरटेनमेंट में रखा, हाउ टू एंड स्टाइल में रखा। जैसे कि YouTube आप चैनल है आपका, तो आपको पता होगा कि YouTube पर चैनल जब बनाते हैं तो एक कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं कि हमारा चैनल किस कैटेगरी का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट या फिर हाउ टू एंड स्टाइल, कोई भी हो सकता है। अब देखिए, आपने कैटेगरी रखी और बहुत सारे वीडियो अपलोड भी कर दिए आपने अपने चैनल पर। अब आप चाहते हैं कि आप अपने YouTube चैनल के सभी वीडियोस की कैटेगरी को चेंज करना चाहते हैं एक साथ। अब एक एक करके करेंगे तो लग जाएगा टाइम। मान लीजिए आपके YouTube चैनल पर 600 वीडियो हैं, तो 600 वीडियो की एक एक करके कैटेगरी को चेंज करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से सिर्फ एक ही बार में सभी वीडियोस की कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको बता दूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। यहाँ ब्राउज़र मैंने ओपन कर लिया है और मैंने यहाँ पर चैनल अपना लॉगिन करके रख लिया है। तो चैनल मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया है जीमेल आईडी और पासवर्ड से। और आपको इस तरीके से जब आप डैशबोर्ड नहीं आ रहा है आपका क्रोम ब्राउज़र में, तो आपको देखिए करना क्या है। जो एड्रेस बार होता है ना, जब आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे तो आपको एड्रेस बार में studio.youtube.com ये टाइप करना है। यहाँ आप देख लीजिए, ये एड्रेस बार में आपको ये टाइप करना है और एंटर दे देना है। आपके YouTube चैनल का डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से देखिए, अगर लॉगिन नहीं है आपका चैनल तो देखिए टॉप में राइट साइड में जो फ़ोटो आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से चैनल को सेलेक्ट कर लेना है कि आपका वही चैनल है। तो देखिए हमारा वही चैनल है। तो चलिए अब हम कैटेगरी चेंज करना आपको बताते हैं। इसको जूम आउट करते हैं, तो इधर चलते हैं लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड में आने पर आपको देखिए इसके ऊपर जाना है, कंटेंट के ऊपर। यहाँ दूसरे ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ये वाला, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके चैनल के जितने भी वीडियोज़ होंगे ना, कॉन्टेंट बोलते हैं जिनको, वो सभी लिस्ट यहाँ ओपन होके आ जाएगी। तो ये देखिए, आपने वीडियो अपलोड किए हैं वो सभी यहाँ आ रहे हैं। तो चलिए अब हम करना क्या है, आपको थोड़ा जूम और कर देता हूँ मैं। तो देखिए, आपको यहाँ वीडियोस का ऑप्शन जो दिख रहा है ना, ये वीडियोस, इसके बगल में ही आपको ये बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स पर टिक कर देना है। जैसे ही आप इस बॉक्स पर टिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 30 सेलेक्टेड, यानी कि अभी फ़िलहाल 30 वीडियो सेलेक्ट हुए हैं। अगर आप अपने चैनल के सभी वीडियोज़ को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। सेलेक्ट ऑल पे जैसे ही क्लिक कर देंगे तो मेरे इस चैनल पर लगभग 650 से ऊपर वीडियोस हैं। तो ऑल वीडियो सेलेक्टेड, सभी वीडियो सेलेक्ट हो गए हैं। अब आपको देखिए क्या करना है। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ देखिए एडिट, ये एडिट का ऑप्शन दिख रहा है आपको इसी के बगल में, इस पर एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से आपको कैटेगरी ऑप्शन वाले पे जाना है, ये कैटेगरी, इस कैटेगरी पे क्लिक कर देंगे। इसको थोड़ा छोटा कर लेता है। तो यहाँ से देखिए न्यू वैल्यू, अब नई कैटेगरी आप क्या रखना चाहते हैं वह यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आपके यूट्यूब ने जितनी भी कैटेगरी अवेलेबल है, यूट्यूब जो प्रोवाइड करता है हमें कैटेगरीज़, वो यहाँ पर सारी लिस्ट खुल के आ जाएगी। तो इसमें से मान लीजिए मैं ये वाली कैटेगरी करना चाहता हूँ, हाउ टू एंड स्टाइल, इसको मैं क्लिक कर दूँगा। ये मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया हाउ टू एंड स्टाइल। और अब देखिए इधर आते हैं, इधर आते हैं, यहाँ आने पर आप देखते हैं अपडेट वीडियोस, इसको अपडेट पे क्लिक कर देंगे। अपडेट पे क्लिक करने पर आपके सामने एक मैसेज आएगा, आर यू श्योर? तो यहाँ मैसेज पढ़ लीजिए कि यू आर अबाउट टू अपडेट द सेलेक्टेड वीडियोज़, दिस अपडेट कैन नॉट बी स्टॉप्ड वंस इट हैज़ स्टार्टेड। इस पर टिक कर देंगे, आई अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस एक्शन एंड अपडेट वीडियो पे यहाँ पर दबा देंगे, अपडेट वीडियो पे, यानी कि इस पर टिक करके इस अपडेट वीडियो पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए एक मैसेज शो हो रहा है यहाँ पर, अपडेटिंग, यहाँ आप देख सकते हैं ये अपडेटिंग वीडियो। अब ये वीडियोस को अपडेट करेगा, यानी कि जितने भी यहाँ पर वीडियोस होंगे उनकी कैटेगरी को
चेंज कर देगा। अब हमने देखिए बल्क में सेलेक्ट किए हैं, बल्क में, बल्क मतलब मास, बहुत ज़्यादा वीडियो सेलेक्ट किए हैं तो थोड़ा ये टाइम लेगा, टाइम लेगा और सारी कैटेगरीज़ को चेंज कर देगा। जो भी इनकी कैटेगरीज़ रखी थी मैंने पहले, जो भी एक्स वाई जेड, अब क्या कर देगा, हाउ टू एंड स्टाइल कर देगा, क्योंकि मैंने वहाँ से हाउ टू एंड स्टाइल सेलेक्ट किया है। तो अब चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, सारी वीडियोज़ की अपडेटिंग हो चुकी है। तो एक वीडियो को मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, चेक कर लेते हैं एक वीडियो को कि उसकी कैटेगरी चेंज हुई है या नहीं हुई है। जैसे ये वीडियो मैंने ओपन कर लिया, इसका पूरा डैशबोर्ड ओपन होके आ गया है। तो कैटेगरी देखने के लिए यहाँ नीचे सी मोर पर क्लिक करना है, नीचे आना है और नीचे आना है, ये रहा कैटेगरी। यहाँ से देखिए इस हाउ टू एंड स्टाइल हो गई है। तो ठीक है, हमने जो कैटेगरी चेंज की थी वो सारा कुछ चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने चैनल के सभी बल्क में सभी वीडियोस की एक साथ कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं।